तो आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं यहाँ पर थालौर स्टेडियम जहांगीराबाद में। यहाँ पर नेशनल के आज ओपन टूर्नामेंट हो रहे हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल और क्रिकेट में हमने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल का टूर्नामेंट है। गाइस आपको हम आप क्रिकेट की पिच दिखाते हैं, कैसी है सतह इसकी। अभी रोलर चलाया गया है अभी पिच पर, थोड़ी नमी नहीं है, थोड़ी हरी घास ज्यादा है अभी पिच पर। यहाँ पर बॉल अच्छी खासी चलेगी, शुरू में बहुत पावर प्ले में बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो सकती है, घास ज्यादा है, थोड़ी बॉलर के लिए मदद ज्यादा है इस पिच पर। ओए पिच देखते हैं पिच कैसी है। पिच में थोड़ी नमी कम है, अभी खुद में भी पिच है थोड़ी सी, पर हरी घास भी यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है, तो इसलिए बॉलर को ज्यादा मदद मिलेगी यहाँ से। अब आपके लिए दिखाते हैं ग्राउंड, काफी बड़ा है यहाँ पर ग्राउंड थालौर स्टेडियम जहांगीराबाद में। आज नेशनल का टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट नेशनल गेम्स हो रहे हैं। ग्राउंड यहाँ पर काफी बड़ा ग्राउंड है थालौर में, अभी नया बनाया गया है। ये वॉलीबॉल का कोर्ट है, काफी अच्छी तैयारी की गई है यहाँ पर थालौर स्टेडियम जहांगीराबाद में बच्चों के लिए। वॉलीबॉल का कोर्ट भी एकदम बढ़िया लग रहा है, हरी घास ग्राउंड में। यहाँ पर काफी भीड़ है, काफी सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है देखो वॉलीबॉल की। ये हमारी टीम है, सामने हमारे कोच खड़े हैं अंशुमान भैया और अभिनय भैया, ये मेरा भाई ऋषभ। काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत बच्चे आए हैं खेलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर। एंट्री भी आगे बहुत है, 500 रुपये एंट्री है, नेशनल का सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। बहुत ही अच्छा ग्राउंड है यहाँ पर। ये थालौर स्टेडियम की ऑफिस है जहाँ पर कोचेज रहते हैं। बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया गया है यहाँ पर थालौर स्टेडियम में। यहाँ पर हमारे कोच अंशुमान भैया प्रैक्टिस करते हुए मैच से पहले। यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है अभी, भीड़ बहुत आ चुकी है यहाँ पर, बच्चे खेलने वाले दूर दूर से खिलाड़ी आए हुए हैं यहाँ पर। ग्राउंड काफी बड़ा है, ये रेस रनिंग का ग्राउंड है यहाँ पर, 400 मीटर रनिंग का।